हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 104 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में जो भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये 4/12/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो है। और गाइस, जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे NTPC ग्रुप डी दोनों एग्जाम के लिए। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं सब मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करके दिखाता हूँ। और इन क्वेश्चंस को अगर आप रेगुलर देखते हो आपकी साइंस में जो पकड़ है बहुत अच्छी हो जाएगी। और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। तो गाइस, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जो भी शिफ्ट मिस हो जाते हैं ना गाइज, उनके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि इस जब सीरीज खत्म होगी उस समय मेरे पास जो आंसर किए ना उसमें कुछ शिफ्ट मिस हैं तो उनको मैं आपको वीडियो के एंड में करा दूंगा, लास्ट में जब हमारी सीरीज खत्म हो रही होगी। अब मेरे पास फिलहाल जो आंसर किए हैं उसमें जो क्वेश्चन हैं उनको पहले करा रहा हूँ और जो बच जाएंगे उनको मैं आपके लास्ट में करा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी शिफ्ट आपकी हम मिस नहीं करवाएंगे। और बहुत जल्दी आपको साइंस की 5000 क्वेश्चंस की नई सीरीज देखने को मिलेंगी जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं रेलवे में। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और तथा किसके बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला बराबर होता है v = u + at, दूसरा होता है s = ut + ½ at² और तीसरा जो होता है वो आपके होता है v² - u² = 2as। अब देखिए पूछा है कि दूसरा समीकरण, तो दूसरा s = ut + ½at². अब देखिए s आपके दर्शाता है स्थिति को और दोनों जगह देखिए ut + 1/2at² tt दोनों जगह आ रहा है, मतलब टाइम और टाइम। तो इसलिए आपका गति का दूसरा समीकरण है स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। इसलिए आपका ऑप्शन 4 है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपकी गति का दूसरा समीकरण होता है वह आपके स्थिति और समय के बीच में रिलेशन को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है। अब देखिए विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि I = q/t, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत धारा होती है ना, इसकी अंतरराष्ट्रीय जो इकाई होती है वो आपकी होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर, ये आपको पता होना चाहिए। और वोल्ट होती है वो आपकी होती है आपका विभवांतर की, ओम मीटर होती है प्रतिरोधकता की, और ओम जो होता है वो आपकी होती है प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की। तो मैंने चारों चीज़ आपको बता दी है और बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी अगर आप वीडियोज़ को कंप्लीट देखते हैं पूरी वीडियोज़ को। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका जाएगा एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि धनात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है। देखिए त्वरण का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन होना, और धनात्मक का मतलब है कि वेग लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम त्वरण कैसे निकालते हैं। त्वरण का मतलब होता है कि भाई आपका त्वरण होता है ना, मान लीजिए पहले 30 था वेग, फिर 50 हो गया, फिर 70 हो गया, इसे बोलते हैं भाई वेग लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा मान लेते हैं कि वेग पहले था 70, फिर हो गया 50, फिर हो गया 30, यानी कि वेग घट रहा है। तो अगर वेग लगातार बढ़ता है ना उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर वेग लगातार डिक्रीज होता है तो बोलते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब देखिए त्वरण निकालते हैं v - u/t = a, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम। अब v का मान, अंतिम वेग का मान धनात्मक होगा ना तो ही a का मान धनात्मक होगा, मतलब v का मान ज़्यादा होने पर a का मान आपका पॉजिटिव होगा। इसलिए हम बोलेंगे अगर पॉजिटिव आपका एक्सेलरेशन है इसका मतलब है कि वेग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। मैंने आपको ध्वनि वाला चैप्टर फिजिक्स में कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको बताया था कि ध्वनि के अंदर आपके देखिए आयाम होता है, ठीक है, आपकी ध्वनि तरंग होती है ना उनमें आयाम होता है, आवृत्ति होती है, स्पीड भी होती है, लेकिन डेंसिटी घनत्व नहीं होता। डेंसिटी का आपका ध्वनि से कोरिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई ध्वनि तरंग की विशेषता आपका डेंसिटी से उसका कोई लेन देन नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणुक है। अब देखिए होते क्या है कि आपका जो तत्व होते हैं आधुनिक आवर्तसारणी में पाए जाते हैं वो आपके परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, समूह के रूप में। अब उनमें क्या होता है, देखिए जैसे बात करते हैं गंधक की, गंधक इसको बोलते हैं सल्फर, ये S8 फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि 8 सल्फर के अणु आपस में जुड़े होते हैं। अगर बात करें हाइड्रोजन की, H2 फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें O2 ग्रुप में, लेकिन आपका आर्गन है ना वो आपका अकेला ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आर्गन वर्ग 18 का तत्व होता है, और वर्ग 18 के तत्व होते हैं वो अक्रिय होते हैं, उत्कृष्ट गैस इनको बोलते हैं, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन फुल होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसलिए ये अन्य तत्वों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं सामान्य परिस्थितियों में। इसलिए आर्गन है ये आपका अकेला ही पाया जाता है, एक परमाणु होता है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा ये है, अब देखिए यहां पर इसका ऑप्शन आ जाएगा आर्गन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत चालकता के आधार पर विषम विकल्प को चुनिए, मतलब कौन सा विद्युत चालकता होती है कौन सी नहीं है। देखिए कॉपर की बात करें, कॉपर विद्युत का चालक होता है,
ग्रेफाइट होता है मानव का शरीर भी होता है क्योंकि हमारे शरीर में करंट आता है, लेकिन रबर होता है ना वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शुक्राणु होते हैं अस्थायी रूप से किसमें पाए जाते हैं, टेम्परेरी रूप से आपके स्पर्म होते हैं कहाँ पाए जाते हैं। देखिए वैसे हमारे शुक्राणु होते हैं ना वो शुक्राशय के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, शुक्राशय के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन टेम्परेरी रूप से आपके अधिवृषण होते हैं ना उसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा, हमारे स्पर्म होते हैं वो आपके टेम्परेरी रूप से आपके अधिवृषण में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में साइटोकाइनिन का क्या कार्य होता है। देखिए मैंने आपको पादप हार्मोन जो होते हैं ऑलरेडी करा दिए हैं और वीडियो बना रखा है, और जंतु हार्मोन है उसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप देख सकते हैं फिर आपके बायोलॉजी वाले चैप्टर में जाकर। अब देखिए मैंने आपको बताया था भाई पौधों में साइटोकाइनिन होता है ना वो आपके सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, ठीक है, मैंने आपको सारे हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में बता रखा है उनका कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर आपका साइटोकाइनिन होता है ना वो आपके पेड़ पौधों में आपका कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन को आपके क्या करता है आपका बढ़ाता है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ना इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 5.5 किलोवाट घंटे में जूल में बदलिए। अब देखिए 1 किलोवाट हावर्स जो होते हैं ना उसमें आपके होता है 3.6 × 10^6 जूल, कितने होते हैं 3.6 × 10^6 जूल होते हैं, और आपसे पूछा कि 5.5 में कितना होगा तो 5.5 को गुणा कर देंगे 3.6 × 10^6, तो इसको आप हल करेंगे लगभग 20 के अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 19.8 × 10^6 इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 20 × 10^6 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि एक माध्यम में एक ध्वनि की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान ज्ञात करना है, यदि इसकी आवृत्ति का मान आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी 840 हर्ट्ज और इसकी आपको स्पीड दे रखी है 380। अब देखिए हम जानते हैं, देखिए लैम्डा का मान आपको ज्ञात करना है तो ध्वनि वाले चैप्टर में आपको बताया था कि भाई वेग जो होता है ना वेलोसिटी वो आपके लैम्डा और लैम्डा और आपका आवृत्ति के बराबर होती है गुणा के, ठीक है। अब देखिए वी आपको दे रखा है और म्यू का मान आपको दे रखा है। अब देखिए हम जानते हैं v यानी कि वेग बराबर आपका होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, क्या होता है v बराबर वेग बराबर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी म्यू। अब देखिए हमको मान ज्ञात करना है लैम्डा का, तो लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे वो जाएगा v बटे म्यू यानी कि आपका वेग अपॉन आवृत्ति, वेग आपको देखा है 380 मीटर प्रति सेकेंड और भाग लगा देंगे आपका 840 का, ठीक है, ये जीरो से आपका जीरो कट जाएगा और 38 में 40 का भाग वो 84 का भाग लगाएंगे लगभग 0.40 या 0.45 आपका राइट आंसर आ जाएगा लगभग 0.45, ठीक है इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, धातु अपनी वास्तविक अवस्था में कब होती है यानी कि जो ओरिजिनल धातु होती है ना वो कब पाई जाती है। अब देखिए ऑप्शन नंबर पहले को देखें तो इसमें बोल रहे कि अन्य किसी धातु के साथ मिश्रण में, तो मिश्रण हो गया तो वो बताओ प्योर फॉर्म में कब होगी, जो एक्चुअल में होगी वो कब होगी, यानी कि वास्तविक का मतलब कि जो ओरिजिनल जो होती है प्योर फॉर्म, ठीक है, वो कब होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा, थर्ड है वो भी गलत हो जाएगा, फोर्थ है वो भी गलत हो जाएगा, मिक्सर की बात हो रही है। मुक्त अवस्था में क्या होती है आपकी धातु जो होती है ना ओरिजिनली वही आपकी पाई जाती है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं आपका ग्रुप नंबर 2 यानी कि आपका वर्ग सेकंड के तत्वों के आप बोलते हैं उनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब इसमें आपको तो याद करने की ट्रिक मैंने आपको पहले बता रखी है, पीरियोडिक टेबल वीडियो को देखना चाहते हैं आपको केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाना है, वहां से आप जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक और पीरियोडिक टेबल से टॉप 100 क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। अब देखिए ग्रुप 2 की जो आपका याद करने की ट्रिक होती है वो आपकी होती है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, यानी कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और आपका रेडियम। और देखिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें आप देख लीजिए आपका बेरियम भी है कैल्शियम भी है मैग्नीशियम भी है लेकिन सोडियम नहीं है, सोडियम आपका ग्रुप 1 का तत्व होता है इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका ग्रुप 1 होता है उनको बोलते हैं आपका क्षार धातु, ठीक है, तो इसलिए आपका सोडियम है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ओके ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि केरोसिन में कौन सी धातुओं को संग्रहित करके रखा जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारी धातु ऐसी होती हैं जब वो आपके हवा में हवा से रिएक्शन करती हैं पानी से रिएक्शन करती हैं तो वे जलने लग जाती है, इसलिए उन धातुओं को हम केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और उन धातुओं में आपके आते हैं एक तो आपका पोटेशियम एक आपका सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम है दो ऐसी धातु होती हैं जिनको हम केरोसिन के अंदर स्टोर कर रखते हैं, ऑप्शन नंबर 3। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का से संबंधित नहीं है। अब देखिए आर एच फिकट ने आर एस विटिकर ने जो जीवों को 5 भागों में बांटा था उनके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, उनको आप देख सकते हैं। तो देखिए आपका जो मोलस्का ग्रुप होता है उसमें आपका घोंगा आता है, ठीक है, ऑक्टोपस भी आता है, कैटन भी आता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, एंटीडोन है, एंटीडोन ये आपका मोलस्का का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के प्रजनन में संबंधित जो प्रजनन के भाग होते हैं वो फूल में पाए जाते हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि रिप्रोडक्शन के जो भी आपके ऑर्गन होते हैं प्रजनन भाग वो फूल के अंदर किस ग्रुप में पाए जाते हैं। अब देखिए आपके होता क्या है कि एंजियोस्पर्म होते हैं ना, उनके अंदर आपके जो फूल होते हैं उनके अंदर फल आता है, और फल के अंदर ही आपको पता है पेड़ पौधों में आपके फूलों के अंदर ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसलिए एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर इनकी फूल के अंदर आपके पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार का गुण नहीं है। अब देखिए क्षार क्या होते हैं, देखिए क्षार आप जानते हैं, आपका पहला ऑप्शन है जो इसकी परिभाषा बिल्कुल सही है, लीले आप लाल लिटिम्स को नीला कर देते हैं, पहला सही है। दूसरा, अब देखिए आरएनएस ने एक अवधारणा दी थी, आरएनएस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एच प्लस आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में ओएच माइनस आयन देते हैं। इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बोल रहा है कि पानी में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये आपके अम्ल देते हैं ना कि क्षार। जबकि थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन भी सही है, आपका सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। देखिए मॉडर्न पीरियड टेबल को 1913 में हेनरी मोजले ने दिया था, हैलोजन भी आपके शामिल होते हैं, वर्ग सर्ग तत्व होते हैं उनको हैलोजन बोलते हैं, एक्टिनाइड आपको जानते हैं एक्टिनाइड होते हैं आपके आपके जो पीरियड टेबल होती है उसमें पीरियड 7 के आपके एलिमेंट होते हैं वो एक्टिनाइड होते हैं, लैंथेनाइड होते हैं आपके पीरियड 6 के एलिमेंट, ठीक है, 6 पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो आपका लैंथेनाइड कहलाते हैं, और इनकी संख्या होती है 32, यानी कि 6 और 7 पीरियड दोनों में 32 एलिमेंट पाए जाते हैं। लेकिन आपका जो कैंसर है, कैंसर जनक, ये आपका पीरियड टेबल से कोरिलेशन इसका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि भाई तीनों के तीनों आपके पीरियड टेबल से रिलेटेड है लेकिन कैंसर जनक है ना, ये इसका कोरिलेशन नहीं है पीरियडिक टेबल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां नीचे की ओर क्यों अलग हो जाती हैं। अब देखिए ये आपका होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व क्या होता है, ये आपका न्यूटन गति का पहला रूल कहलाता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, अगर वो गतिशील मूवमेंट में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो ये आपका जो आपका गति का पहला नियम कहलाता है वो जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और ये आपका न्यूटन ने दिया था। तो आप देखते हैं कि बस में अचानक से ब्रेक लगते हैं तो आगे की ओर झुक जाते हैं, ये भी इस रूल्स पर आधारित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि ये सारी चीजें होती हैं वो जड़त्व के कारण होती हैं। जड़त्व के कारण ही जब हम कंबल को एक जो झटका देते हैं तो उसमें बहुत सारे कण होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसके बहुत सारे रूल्स आपके होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यह है कि धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलो की एक वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है 400 जूल, तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था, इसकी हाइट आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए आपको मान लेते हैं कि एक वस्तु है वो h ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसकी आपको एनर्जी दे रखी है गतिज ऊर्जा 400 जूल। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब वस्तु प्रारंभिक अवस्था में होती है तो इसकी आपका गतिज ऊर्जा जो होती है अवस्था में इसका मान होता है 0, और आपके शुरुआत में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है अधिकतम। लेकिन जब वस्तु आपके बिल्कुल बीच में होती है उस स्थिति में दोनों ऊर्जाएं बराबर होती हैं, और लास्ट में आपकी गतिज ऊर्जा हो जाती है आपकी मैक्सिमम और स्थितिज ऊर्जा होती है बहुत ही कम। तो इसको हम देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम आपके जो गतिज ऊर्जा दे रखी है ना उसको हम स्थिर ऊर्जा मानकर कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी MgH बराबर 400, ठीक है। अब देखिए m का मान 2 है, g का मान 10 है, h का मान ज्ञात करना है बराबर 400, h का मान हम ज्ञात करेंगे 0 किया 40 में 2 का भाग लगाएंगे 20 मीटर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 20 मीटर है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ निर्दिष्ट होती है, यानी कि आपको स्पीड दे रखी है तो स्पीड के साथ किसका मापन किया जा सकता है। तो देखिए स्पीड से हम वेग का मापन कर सकते हैं। वेग क्या होता है कि भाई अगर स्पीड है उसमें डिस्टेंस भी दे रहा, वो आपके डायरेक्शन भी दे रखी है, तो उसको बोलते हैं आपका स्पीड, यानी कि दोनों आपके एक प्रकार से मान इनका परिमाण समान होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है सदिश राशि होती है आपका वेग, अदिश राशि होती है स्पीड, ठीक है। तो इस हम वेग जो होता है ना वेलोसिटी, इसकी मान है हम स्पीड के साथ गणना कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन दी हुई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि यदि एक स्प्रिंग है उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस का मतलब उसको धक्का लगाते हैं, पास पास लाते हैं उसके स्प्रिंग को, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना और उससे उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो अगर स्प्रिंग का अंदर कंप्रेस करते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में चेंज होता है और स्प्रिंग ऊर्जा आपकी होती है बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आपको एक अभिक्रिया दे रखी है PbO प्लस HCl और PbCl2 प्लस H2O, यानी कि लेड का ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो लेड क्लोराइड और HCl बनता है। इसमें पूछा है कि इस अभिक्रिया के संतुलन के लिए HCl के कितने मोल की आवश्यकता होगी। तो देखिए इस अभिक्रिया को मैं लिख लेता हूँ PbO प्लस HCl और प्लस PbCl2 प्लस H2O। अब देखिए हिट एंड ट्रायल विधि से हमको क्या करना है, इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। बिल्कुल सिंपल सा रूल है हिट एंड ट्रायल विधि, ये कहती है कि आपके किसी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान की हानि नहीं होती है तो लेफ्ट और राइट आपके अभिकारक और उत्पाद के मोल की संख्या बराबर कर देंगे। अब देखिए इस अभिक्रिया को मैं वापस से लिख लेता हूँ, ठीक है, PbO प्लस HCl प्लस PbCl2 प्लस H2O। अब देखिए इस अभिक्रिया को आप देखेंगे तो Pb है ना, Pb वो आपके दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि संतुलित करते हैं, Pb बराबर है, ठीक है। अब हम क्लोरीन की मात्रा संतुलित करते हैं तो HCl के आगे दो लगा देते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन हो गए दो और RHS में भी हाइड्रोजन हो गए दो, ऑक्सीजन RHS में एक है, आपका लेफ्ट में भी ऑक्सीजन एक है। अब यह अभिक्रिया पूरी तरह संतुलित है इसलिए हमें दो HCl अम्ल की आवश्यकता होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सीधा सा तरीका है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें किसका उपयोग होता है। अब देखिए होता क्या है कि आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं ना, अग्निशामक यंत्र, उनमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो आग बुझाने में हेल्प करती है, लेकिन आपका सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र होते हैं ना उनमें क्या किया जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना NaHCO3, इसका उपयोग किया जाता है और इसके निर्माण से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और इसकी सहायता से फिर आग बुझाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसका आणविक आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होता है। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, इसका सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, इसका सूत्र है SO2। अब देखिए इसका द्रव्यमान निकाला है सल्फर का होता है आपका 32 प्लस दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया 32, तो 32 प्लस 32 कितना हो गया 64 यूनिफाइड, इसलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं 64 यूनिफाइड ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, एक बैक्टीरिया अत्यंत गर्मी शुष्कता और विषैली रासायनिक अभिक्रियाओं को सहन करने की क्षमता रखता है, इससे यह पता लगता है कि यह किसका निर्माण कर सकता है। अब देखिए होता क्या है कि इस बैक्टीरिया में एक आपके क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर एक टीम बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और उसको बोलते हैं एंडोस्पोर। क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होती है? एंडोस्पोर एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर आपके अगर हम नेगेटिव रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, विषैली रासायनिक अभिक्रिया, उनका भी कोई असर नहीं होता है, गर्मी सर्दी कोई का असर नहीं होता है, इससे आपके बैक्टीरिया सुरक्षित बचे रहते हैं, इसको बोलते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, इसको एंडोस्पोर बोला जाता है, ये आपके बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत मेहनत लगी है। चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर है, या आप जाएंगे रेलवे की पाठशाला सर्च करेंगे वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, और फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से आप जाइए, डेली आपको वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा और वहां आपको डेली एक मिनी टेस्ट मिलता है, आपको 31 दिसंबर 2020 तक आपको डेली एक मिनी टेस्ट मिलेगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जो परचेज नहीं कर सकते हैं, वहां पर प्रीमियम टेस्ट दे सकते हैं, डेली 30 क्वेश्चन मिलते हैं और ये आपके मैथ्स रीजनिंग जीके साइंस सबके क्वेश्चन इंक्लूड है, तो एक मिनी टेस्ट आप देख सकते हैं और अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार सकते हैं कि क्या कमियां हैं, कौन सा सेक्शन आपका वीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जहां से आप देख सकते हैं गाइस, और आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, और जल्दी हम आपकी जो प्रीवियस सीरीज है वो शुरू कर देंगे 5000 क्वेश्चन की, स्टडी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।